अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गए? दुआ करती हूँ अच्छे होंगे, जैसे खुश हो गए, आबाद हो गए, जहाँ भी होगा। तो आज सुबह नाश्ता हो रहा है, बच्चा मेरा रो रहा है, ये देखो जरा मेरा अजान रो रहा है। तो ये चाय पी लो, अजान जल्दी खाने, नाश्ता हो रहा सुबह सुबह। अरे घर में हो गई है आज समर सीवर खराब, तो वो सही कर रहे हैं यार। हम करते हैं नाश्ता पूरा अपना, टंकी खुली हुई है। तो एक और मंगाया मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से, होम शॉपिंग से मंगवाया ऑनलाइन, मीशो से मंगवाया। देखते हैं, नहीं वर्लपूल पर नहीं, देखते हैं क्या है। खोल लिया, इसमें ये है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये अभी सही नहीं हुआ है। तो ये देखो माशाल्लाह, ये हमने अपने जीने से और यहाँ लगाया है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। किस किस को अच्छा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना कि मैंने मीशो से मंगवाया था, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिसको अच्छा लगा है वो ज़रूर मुझे मैसेज करके बता दे कि बहुत ही अच्छा है, और माशाल्लाह भी ज़रूर लिख देना। हमारे घर में आए ये प्यारे प्यारे बच्चे, देखो इधर, देखो इधर, देखो ये प्यारे प्यारे बच्चे आए मेरे घर में। तो ये हमारी बिल्लियों को देखने आए, हमारे पास में ही रहते हैं, हमारे आगे वाले घर में। इधर देखो सामने, मुझे दिखाओ अपना सामने, अल्फिश माशा, इनका नाम माशा है, माशा, वाह माशा। तो ये देखो दोनों के दोनों बच्चे आए हैं मेरी बिल्लियों को देखने, इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे यहीं रहते हैं। तो अभी हम दिखा रहे हैं, मैं इतनी थक गई, मैंने सारा का सारा जीना धोया है, देखो लगन लगन के धोया है, नीचे सारा धो के आई हूँ मैं, और बहुत थक गई यार, पहन के बाद कितने थक जाते हैं। और देखो माशाल्लाह मेरा वो जो एक्स्ट्रा गैस रखा था वो हट गया आज, शुक्र है। तो ये देखो मेरा बड़ा हो गया बिल्कुल, अब बहुत ही साफ लग रहा है, यहाँ से भी देखो साफ लग रहा है बिल्कुल। तो ये तो खाना रखा हुआ था, तो अब देखो बड़ा सा लग रहा है, तो अभी थोड़ा सफाई वगैरह भी हो रही है। मैं नहा धो के थक गई बिल्कुल, नहा धो ली बढ़िया से करके, अब थोड़ी थकन हो गई, थोड़ी देर आराम करूंगी, और 2 बज गए हैं करते करते, तो अभी खाना भी खाना है अभी, तो जल्दी जल्दी खाना भी खा। तो हम थक गए हैं, तो हमारे घर आई है हमीदा, ये हैदराबाद गई थी, कैसा लगा हैदराबाद में? पूरे 1 महीने हैदराबाद रह के आई है ये लड़की, इसे बिल्कुल फुप्पो की अपनी याद नहीं आई थी। और ये तकी आप भी आए हो ना हैदराबाद में, कैसा लगा? और हमारा अजान बहुत याद कर रहा था तकी भाई को, तकी हैदराबाद में सब ठीक है? सुबह से तुम बताओ, तो खेल में लग गया, हैदराबाद में सब ठीक है? नानी मुमानी मामू खाला खालू रिश्तेदार पड़ोसी सब ठीक है हैदराबाद में? सब हमें याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, हम भी बहुत याद करते हैं हैदराबाद वालों को, और हैदराबाद भी बहुत मिस करते हैं। कभी इंशाल्लाह मौका लगेगा तो ज़रूर जाएंगे। तो ये अपनी नानी के घर होके आएंगे अभी, इन्हें पूरा 1 महीना छुट्टियों का वहाँ बिता के आएंगे, मज़े लेके आएंगे। तो ये आई हैं अब मिलने के लिए, तो देखते हैं अब क्या करना है। अब देखो माशाल्लाह पूरा घर देखो मेरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है अब तो। हाँ जी, तो ये भी देखो ज़ुबैदा भी आई हैं, तो वो लेटी भी आराम कर रही है, वो तो गई नहीं थी हैदराबाद। तो और ये देखो मेरा माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ये मेरा कैमरा है। तो ये किचन भी देखो अब बहुत साफ लग रहा है माशाल्लाह, ऊपर से नीचे तक साफ साफ साफ, कपड़े भी धुल चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, आगे का प्रोग्राम क्या बनाते हैं। शीशे जो मेरे, जिसने मेरी ये दीवार ख़राब करी थी ना, वो मैंने यहाँ लगा लिए, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये यहाँ पर लगा ली, यहाँ पर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और थोड़े से जो बचे थे वो मैंने इस दीवार पे कर लिए, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहे हैं, ये देखो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर मुझे सही से लगाना आया नहीं था इसके लिए, तो फिर मैंने यहाँ चिपका दिया, और बहुत अच्छे से मेरी शक्ल भी दिख रही है, मेरी शक्ल भी दिख रही है इसमें बहुत ही अच्छा। कुछ बता रहे हैं ताकि, क्या कह रहे हो बताओ एक बात। मैंने जब मैं हैदराबाद पहुंचा था, जब तुम्हारे ब्लॉग में देख रहा था। ओ अच्छा,
बैठ के मेरे ब्लॉग देख रहा था। ओ माशाल्लाह, हैदराबाद वालों तो मेरे ब्लॉग देखते हो, थैंक यू सो मच। तो ये भी हैदराबाद गए, तब भी इसने मेरे ब्लॉग देखे थे, अपनी फुप्पो गए ना, तो थैंक यू हैदराबाद वालों, तुम मेरे ब्लॉग देखते हो, शुक्रिया। और मुझे मैसेज भी कर दिया करो, सबको भी बहुत मिस कर रही हूँ। तो कद इंशाल्लाह मौका लगेगा तो ज़रूर जाऊँगी दोबारा से हैदराबाद। नहीं ये नहीं खाओगे आप? तो हमीदा बाबाजी को दे दो। हमीदा भैया बोल रहा, दे दो लो, हमीदा ले लो, देखो कैसे दे रहा है। हमीदा भैया बताओ, लौंडिया को लड़का बना दिया। बेटा काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती और मैं भी ऐसी बैठी होती गाड़ी के अंदर, तो कितना मजा आता। अल्लाह हमें भी एक गाड़ी दे दे ऐसी। तो हम भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें भी ऐसी गाड़ी दे, तो कितना अच्छा लगेगा, काश मेरे पास भी गाड़ी होती। तो ज़रूर देगा अल्लाह, फिर मायूस नहीं होनी चाहिए, ज़रूर देगा अल्लाह हम लोगों को। तो ज़ुबैदा और अन्नू खड़ी हुए हैं, कहें कि चलो हमें कहीं लेके चलो। तो अब हम जा रहे हैं ज़ुबैदा और अन्नू और हमारी हमीदा, तो बेटा तो ये डोसा खाने जा रहे हैं, सबके सब आए थे कि हमको डोसा खिला दो, तो आज हमारी हमीदा हमें सरप्राइज देगी, तो हमें डोसा खिलाएगी पार्टी दिन डोसे की। तो सब लोग आ गए, तो यहाँ से अन्नू भी आगे जा रही है। ओहो, तो आज हमीदा हमें खिलाएगी डोसे की पार्टी देगी। आ जाओ, निकल के आ गई है, देखो हमारी हमीदा ही पहन के आई है हैदराबाद से, कितना प्यारा लग रहा है। तो तकी भी तैयार है, तो हमारा अजान भी तैयार है, और हम भी तैयार है और जा रहे हैं डोसा खाने जाने बेटे। तो देखो सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे। ओ, आम का पेड़ देख रहे हैं, ये देखो आम। ओहो ये देखो कितनी सारी आमियां लगी हुई है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये देखो ये गुच्छा बना हुआ है, ये रहा आम का गुच्छा, ये रहा। आगे चल रहे, चलो। तो तुमने उधर से बुलाया? फौजी आ रहे, जल्दी से हाथ मिला, क्या हाथ मिला जल्दी, नहीं इसका हाथ मिला लो, उससे जरा इसे डर लगता है, इससे हाथ मिला ले, आज तकी तुम मिला लो, इसे मिला लो, इससे जाइए मिला लेगा, जाओ जल्दी भाग के जाओ। तकी देखो, ये तकी हमारा बहादुर लड़का है, इसमें देखो ये फौजी बनेगा बड़ा होकर, अच्छा तकी। और तकी का खुशी के मारे ठिकाना नहीं, तकी इतना खुश। तो ये हम पहुंचे रेस्टोरेंट, तरफ से पार्टी है आज, है ना हमीदा? आज हमारी तरफ से पार्टी है, तो बैठे हुए इधर। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटें खेल ली, फिर 2 यहाँ लगेंगे, तो सारे के सारे यहाँ बैठ गए। तकी हम क्या खाओगे? तकी मोमोज खाओगे? हम सब ने खा लिया है डोसा, तो जल्दी जल्दी हमने डोसा खाया, फिर यहाँ से हमने गोलगप्पे खाए, बहुत ही मज़ेदार थे, पेट इतना भर गया था। अब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, बच्चे जिद करने लगे पिज़्ज़ा खाने, देखते थे पप्पो, तो हम लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, उन बच्चों की जिद के मारे पेट तो बहुत भर गया। और यहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया, बहुत फेमस है, यमुना विहार में है, बहुत ही अच्छा है। पर अंदर जिद करी कि हमें पिज़्ज़ा भी खाना है, तो हम इनकी जिद पर यहाँ पर आ गए। ये देखो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा। अच्छा, देखो ये हमारे तकी भाई साहब, इन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखो हमीदा, अच्छा लग रहा है वाला या। तो हम इन बच्चों को लेके आए यहाँ पर। हम भी डाल सकते हैं अपने घर में, फैंसी को फैंसी, ये तख्ता ले ले मोटा सा, छेद करवा लो इसमें, करवा ले हम भी पक्का सच्ची। ये जो रस्सियाँ होती है ना, ये बहुत ही अच्छी होती है। ज़ुबैदा को बैठने दो, ज़ुबैदा देखते झूलो, बुला रहा है भाई। ये ज़ुबैदा, ये देखो हमीदा, हमीदा का नंबर आ गया, हमीदा ये खड़ी हुई यहाँ पर हमीदा।
हमीदा आज भी करो हमीदा परी की तरह बहुत प्यारे लग रही है इसे भी आना है यहाँ पर आई अपना प्यार बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है अपना प्यार हमारे पिज्जा एक ये पिज्जा और हमारे सखी और हमीदा देखो ये खा रहे हैं इधर आ जाओ हम अजान तो अजान भी के लिए हमने ये मंगाया अजान के लिए और सखी के लिए भी इन लोगों को ही खिला रहे हैं हमारा पिज्जा बाप रे बाप इस्तेमाल करते थे तो इसमें जगह नहीं बची थी पिज्जा में खा रहे थे और मेरे अजान ने भी पिज्जा खाया बाप रे बाप बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया बहुत ही टेस्टी था बहुत अच्छा और हम लोगों ने खाया तो बड़ा मज़ा आया तो अब फ्रेंच फ्राइज भी खाएंगे देखे ना तो अब हम जा रहे हैं बच्चों को हमने घर पहुंचा दिया तो हमजा गया छोड़ने अब हम जा रहे हैं घर और देखो अंधेरा भी हो गया इतना तो हम घर जा रहे हैं और हम लेके आए साथ में हमजा के लिए हमजा गए हैं तो उसके लिए बर्गर लेके आए और उसके लिए फ्रूटी लेके आए तो हम वरना वो आते ही उतना रोएगा जितना रोएगा कि बस पता नहीं चलता तो आज का ब्लॉग मेरा यही ख़त्म हो गया तो दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफिज हाँ और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।